तो आज हम पढ़ने वाले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकलता है, ये सारी बातें हमारी पहले हो चुकी हैं तो उनको हम डिटेल में नहीं जाएंगे। बस हमको इतना ध्यान रखना है कि किसी भी फंक्शन, जरूरी नहीं कि हम तो यहाँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, लेकिन किसी भी फंक्शन का अगर हमें इन्वर्स निकालना है तो उस फंक्शन को वन वन और ऑन टू होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वन वन और ऑन टू होगा तो वो बाइजेक्टिव हो जाएगा और बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बात का ध्यान आपको अच्छे से रखना चाहिए, क्योंकि हमने ये इन्वर्स फंक्शन में हमने ये बात डिटेल में पढ़ी हुई है कि किसी भी फंक्शन का अगर हमें इन्वर्स निकालना है। यहाँ पर लिख लेते हैं फिर से एक बार, वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी याद रहे इस चैप्टर में भी, तो लिख लेते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन इज दैट द फंक्शन मस्ट बी इज दैट द फंक्शन मस्ट बी वन वन एंड ऑन टू, वन वन एंड ऑन टू। अगर कोई फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों है तभी हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, नहीं तो इन्वर्स ही पॉसिबल नहीं है, चाहे वो सिंपल फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है, जैसे वो साइन है, कॉस है, टेन है, तो हमें सबके बारे में पता है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चाहे वो साइन, कॉस, टेन, कॉट से, कॉस से, कोई भी हो, वो सारे के सारे वन वन तो होते ही नहीं, वो तो मैनी वन फंक्शन होते हैं। तो फिर उनका इन्वर्स कैसे फाइंड आउट किया गया? जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं? वन वन नहीं होते, वो मैनी वन फंक्शन होते हैं। ऑन टू के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो वन वन नहीं हो सकते, वो तो मैनी वन होते हैं। यहाँ पर ये भी पॉइंट लिख लेते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाइक साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉस एक्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं? आर मैनी वन फंक्शन, आर मैनी वन फंक्शन इन देयर एक्चुअल डोमेन। जितने भी इनके डोमेन है उसमें ये सारे के सारे क्या होते हैं? मैनी वन होते हैं। तो फिर इनको वन वन कैसे बनाया गया? तो इनको क्या किया गया, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनको कई बार रिस्ट्रिक्टेड मॉड में ले लिया गया, मतलब उनका कोई एक ऐसा पार्ट कट कर लिया गया है जिससे वो वन वन बनाए जा सके। जैसे बात हम करेंगे साइन इनवर्स की, हम सारे के सारे अभी बात करने वाले कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, लेकिन ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है? तो अगर इसकी हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, उसमें सबसे पहले इनको रिस्ट्रिक्टेड मॉड में कुछ कट किया जाएगा, कुछ पार्ट ऐसा उनका ले लिया जाएगा जिसमें कुछ इतना पार्ट हमको लेना है कि हमें इनवर्स अगर उनको डिफाइन करना है तो उनका जो थोड़ा सा पार्ट है, जितना भी पार्ट वन वन बन रहा होगा उसको हम ले लेंगे और उसी पार्ट को लेके फिर हम उस फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अब देखो, जैसे अगर हमसे पूछा जाए कि भाई ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या, तो अगर इसको डेफिनेशन इसकी हमको लिखनी हो, इसकी मुझे डेफिनेशन लिखनी है, तो हम कैसे लिखें, कैसे समझेंगे कि ये होता क्या है? तो अगर हमने कोई इक्वेशन लेट कर ली, लेट इक्वेशन साइन थीटा इक्वल टू एक्स, अगर कोई साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, थीटा जो है एक ऐसा एंगल है जिसका साइन लेने पे वैल्यू हमको क्या मिल जाती है? एक्स मिल जाती है। थीटा कोई ऐसी वैल्यू लेने पे साइन के साथ जिसकी वैल्यू एक्स मिल जाती है, तो अगर थीटा की वैल्यू हम निकालें तो इधर जाके क्या बन जाएगी? साइन इनवर्स एक्स हो जाएगी। यहाँ पर लिख लेते हैं सच दैट थीटा इज एन एंगल, थीटा इज एन एंगल विच द साइन इज एक्स। ये तो हो गया साइन थीटा इक्वल टू एक्स, और अगर हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी?
उधर जाएगा तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स, या फिर अगर कॉस में दिया होगा तो कॉस इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स बोलो, या फिर कॉस इनवर्स एक्स बोलो, या टेन इनवर्स एक्स बोलो, या कॉसेक इनवर्स एक्स तक कुछ भी फंक्शन होंगे, इन फंक्शन को क्या कहते हैं हम? दीज फंक्शंस आर कॉल्ड, दीज फंक्शंस आर कॉल्ड इनवर्स सर्कुलर फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कई बार इनको इनवर्स सर्कुलर फंक्शन भी बोल देते हैं, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है? इनको इनवर्स सर्कुलर फंक्शन या फिर इनको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। कई बार जो बाहर के राइटर की बुक्स होती हैं, फॉरेन राइटर की बुक्स जो होती हैं, या कई बार इंडियन में भी इसको साइन इनवर्स एक्स को हम आर्क साइन एक्स भी बोल देते हैं, ठीक है? तो अगर कहीं इस टाइप से दिखाई दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। द इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, द इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, ये जो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है, साइन का हो या कॉस का हो या किसी का भी हो, साइन इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स एक्स हो, इसको अक्सर हम क्या करते हैं, रिटन एज आर्क साइन एक्स, इसको आर्क साइन एक्स लिखते हैं। तो आर्क साइन एक्स का मतलब ये है कि चाहे साइन इनवर्स एक्स लिखा हो या उसका मतलब है सेम है दोनों का मतलब, या आर्क साइन एक्स लिखा है मतलब इसका मतलब ये है कि ये साइन इनवर्स एक्स को ही डिनोट कर रहा है, ठीक है? साइन इनवर्स एक्स लिखा हो या फिर आर्क साइन एक्स लिखा। अब किया क्या गया, साइन थीटा जो था, जैसे अगर आप ग्राफ की बात करें तो जो साइन थीटा फंक्शन था वो था हमारा कौन सा फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। उसको हमें क्या बनाना था, उसको हमें वन वन बनाना था। तो जो साइन थीटा है उसका ग्राफ तो हमारा कुछ इस टाइप से होता है, ये ले लिया यहाँ से। अब ये ध्यान रखना है, अब यहाँ पर हमें साइन इनवर्स का ही बनाना है, तो एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि ये वाई इक्वल टू एक्स लाइन हमेशा रहेगी। और जो हम साइन का ग्राफ बनाते हैं, ये पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ कि साइन का ग्राफ जब भी बनाते हैं तो वो हमेशा वाई इक्वल टू एक्स की लाइन के नीचे ही होता है। जबकि जनरली कभी हमसे साइन एक्स का बोला जाता है तो हम ऐसे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे ऐसे बना देते हैं ना, ये गलत होता है। हमेशा वाई इक्वल टू एक्स के नीचे ही साइन एक्स आएगा, चाहे आप कोई भी वैल्यू रख के देख लो, कोई भी वैल्यू साइन की रख के देखोगे तो वो हमेशा वाई इक्वल टू एक्स के नीचे आएगा और इधर की तरफ यहाँ से जाएगा ऐसे, ठीक है? तो अब इनवर्स में ये तो मैनी वन हो गया, तो इसको वन वन बनाने के लिए क्या किया गया, मैनी वन को वन वन बनाने के लिए सिर्फ ये किया गया कि ये जो पाई बाई टू है और यहाँ पर माइनस पाई बाई टू है, इतना पार्ट जो है वो कट कर लिया गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट जो है वो कट कर लिया गया। और अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे, जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है, तो ये वन वन है, एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की एक ही वैल्यू दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वन वन ही दिखाई देगा, और ये वैल्यू जो है इसकी प्लस वन आ जाती है, और यहाँ पर क्या आ जाती है, ये माइनस वन, मैक्सिमम वैल्यू वन देता है और मिनिमम वैल्यू माइनस वन देता है। तो सिर्फ इतने पार्ट को कट कर लिया गया, बाहर निकाल लिया गया, और फिर इसी का जो है वो इनवर्स निकाला गया। अब इनवर्स कैसे निकालते हैं, ये भी आपको याद होगा, पिछली क्लासेस में हम इनवर्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि किसी फंक्शन का अगर हमें इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले एक वाई इक्वल टू एक्स की एक लाइन, एक मिरर बना देते हैं और उसका जो भी फंक्शन है उसका ग्राफ बना देते हैं। जैसे सपोज करो कि ये फंक्शन वाई इक्वल टू एफ एक्स है, तो उसका इनवर्स क्या बन जाएगा, अगर हम उसके इनवर्स की बात करें तो वो उसकी मिरर इमेज बन जाती है। यानी अगर ये हमने मिरर लिया हुआ है वाई इक्वल टू एक्स, तो ये ऐसे ये बन जाता है एफ इनवर्स एक्स। ये कॉन्सेप्ट ही होता है, जैसे आप मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, तो उसमें एक अलग कॉन्सेप्ट चलता है कि जितना नीचे का पार्ट है उसको डिलीट कर दो और फिर उसकी मिरर इमेज ले लो। ये तो भी किया है हमने इनवर्स उसमें मॉडुलस में, तो इनवर्स में भी हमें इसी ध्यान रखना है कि वाई इक्वल टू एक्स एक प्लेन मिरर लेते हैं और प्लेन मिरर के बाद जो वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ है उसकी इमेज जैसी वाई इक्वल टू एक्स प्लेन मिरर के साथ लेते हैं तो एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ मिल जाता है। मतलब कुल मिला के इसको प्लेन मिरर की तरह ट्रीट करते हैं, ये वाई इक्वल टू एक्स जो लाइन है ये एक मिरर का काम करेगी जब भी कभी किसी का इनवर्स निकालना हो। समझ में आ रही बात?
दूसरी चीज, साइन इनवर्स एक्स का बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है। इसको आप ध्यान रखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स जो है इसको कभी भी आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि इसको लिख दे वन अपॉन साइन एक्स, क्योंकि वन अपॉन साइन एक्स नहीं लिख सकते इसको, ठीक है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखो कि साइन की पावर -2x लिखा हो तो इसको वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स जरूर लिख सकते हो। ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये रॉन्ग है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये साइन की पावर -2 लिखा हुआ है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। ये साइन की पावर जैसे होता है ना एक्सपोनेंट फॉर्म में होता है, -2 हो, -3 हो, -4 हो, उन सबको तो आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन साइन इनवर्स एक्स को नहीं लिख सकते हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है, ये काम आपको नहीं करना है। क्लियर हो रही बात यहाँ तक? चलिए, इसको इसलिए बनाना जरूरी है क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि अभी हम सबके ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं, तो हमको पता चल जाएगा कि भाई किसी का भी इनवर्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो हम पहले ओरिजिनल फंक्शन ले लेते हैं वाई इक्वल टू एफ एक्स, और एक प्लेन मिरर लगा देते हैं वाई इक्वल टू एक्स, और फिर उसकी इमेज निकाल लेते हैं कि क्या बन रही, वही उसका इनवर्स का बन जाता है। जैसे अभी देखते हैं डोमेन रेंज देखेंगे, वैसे तो हमने थोड़ी थोड़ी सी बातें इनकी वहाँ पर कर ली थी पहले भी फंक्शन में, कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, और ग्राफ क्या होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अभी यहाँ पर हम फिर से उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं डोमेन रेंज एंड ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी, डोमेन कॉमा रेंज एंड ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ये हमने पहले भी बनाया हुआ है, इसको फिर यहाँ पर बना लेते हैं। तो इसके लिए क्या है, डोमेन रेंज हमने पहले भी फंक्शन में तो लिखा ही हुआ था, एक बार यहाँ पर चार्ट बना के फिर लिख लेते हैं, फिर अभी ग्राफ में तो हमें आइडिया हो ही जाएगा, लेकिन इसको लर्न करने के हिसाब से हमें पहले इसको बना के यहाँ पर लिख लेते हैं। ग्राफ तो अभी हम बाद में बनाएंगे, पहले डोमेन और रेंज का एक कॉलम बना के इसको लिख लेते हैं। तो एक हो जाएगा फंक्शन, एक डोमेन और एक रेंज, इस तरीके से तीन कॉलम बना लेते हैं। ग्राफ अभी हम इनका थोड़ी देर में देखते हैं। पहला नाम हो गया फंक्शन, दूसरा इसका नाम हो जाएगा, दूसरा कॉलम का नाम हो जाएगा डोमेन, और थर्ड का नाम हो जाएगा रेंज, ठीक है। ये तो बिल्कुल हमको याद कर ही लेनी है। अभी ये कहाँ से आई उसके बारे में बात करेंगे, जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें दिखाई देगा कि हाँ यही डोमेन और यही रेंज होने वाला है इसका। इनवर्स फंक्शन के बारे में अगर आपको याद हो तो मैंने ये भी बताया था कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है उसका डोमेन और रेंज अगर हमें पता है, तो अगर हम उसका इनवर्स निकालते हैं तो जो रेंज होता है वो डोमेन हो जाता है, और जो डोमेन होता है वो रेंज बन जाता है। याद है हमने वहाँ पर देखा भी था कि हमने डोमेन को रेंज में चेंज कर देते थे और रेंज जो होता था वो डोमेन बन जाता था, ठीक है। तो अब यहाँ पर वाई इक्वल टू पहला है साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स ये पहले वैसे मैं बता चुका हूँ। तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेनी है, -1 से 1 तक लेनी है रेंज, हाँ, और रेंज जो है वो वाई की वैल्यू तो क्लोज्ड इंटरवल में -π/2 से π/2 हो जाती है, बिल्कुल सही है। फिर इसी तरीके से कॉस इनवर्स एक्स में क्या हो जाती है, एक्स की वैल्यू सेम रहती है -1 से 1 तक, लेकिन वाई की वैल्यू जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, 0 से लेके पाई तक हो जाता है। यानी ये जो है वो पहला वाला, अगर आप ध्यान दें तो ये पहला वाला फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रहता है, क्वाड्रेंट में रहता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता है। मतलब -π/2 वाला कौन सा क्वाड्रेंट होता है पता है, -π/2 वाला क्वाड्रेंट, अगर
अगर हम यहीं पे देख लें तो देखो ये जो है माइनस पाई बाई टू होता है, ये जीरो हो गया, ये पाई बाई टू हो गया और ये माइनस पाई बाई टू हो गया। तो साइन का मतलब है कि इधर भी जाएगा और इधर भी रहेगा, यानी कि साइन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक है, लेकिन जब बात कॉस की होगी तो कॉस यहाँ से यहाँ तक आएगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का यूज हो रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट का यूज हो रहा है और अभी हम देख रहे हैं तो फोर्थ का भी मिला है। अभी हम ये देखेंगे यहाँ पर कि थर्ड क्वाड्रेंट कहीं यूज ही नहीं करना है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में थर्ड क्वाड्रेंट में हम जा ही नहीं पाएंगे। देखो वाई हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया। अब जरा आगे बढ़ते हैं, वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स में एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाती है, तो एक्स कोई भी रियल नंबर रखो, टेन इनवर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वाई की वैल्यू जो है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ओपन इंटरवल में हो जाती है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ओपन इंटरवल में आ जाता है। ठीक, वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स के बारे में बात अगर हम करें, वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स तो उसका क्या हो जाता है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा, एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर ले लेंगे और वाई की वैल्यू जो है वो जीरो से पाई के मिड में आ जाएगी। सिमिलरली वाई इक्वल टू अगर सेक इनवर्स एक्स के बारे में बात करेंगे तो अब क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स में क्या हो जाता है, सेक इनवर्स एक्स में ऐसे हमको ध्यान रखना है कि एक्स की वैल्यू या तो माइनस वन से छोटी होती है और या फिर वन से बड़ी होती है, तो ऐसे लिख लेते हैं, और या कई बार ऐसी जगह बुक में लिखा होगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन और यूनियन वन टू इन्फिनिटी। इन दोनों का मतलब तो सेम है, आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे कह रहा है जो सेम जो ये बोले या ये बोले बात एक ही है, यानी माइनस वन से वन के बीच में सेक इनवर्स एक्स का भी ग्राफ नहीं आता। माइनस वन से वन के बीच में अगर बात करें तो वो बात आ ही नहीं रही है, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन और वन से इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। और सेक इनवर्स एक्स की जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, सेक इनवर्स एक्स की रेंज जो कॉस की है वो देखो जीरो से लेके कहाँ तक है, जीरो से लेके पाई तक है। तो यहाँ ऐसे लिख लेते हैं कि जीरो से पाई तक तो रहेगी बट एक्सेप्ट पाई बाई टू, वाई की वैल्यू पाई बाई टू नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते वाई की वैल्यू पाई बाई टू, बताओ भाई। कॉस 90 क्या हो जाएगा, कॉस 90 अनडिफाइंड हो जाएगा, तो सेक में भी प्रॉब्लम होगी ना, तो इसलिए हमें 90 को हटा देना है यहाँ। अब बचा एक लास्ट और, उसका नाम हो गया वाई इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। सेम यही हो जाता है, एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू माइनस वन और ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, और वाई की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, अगर वाई के बारे में बात करोगे तो सेम जैसे साइन का है वही सेम हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में। लेकिन अब यहाँ पर क्या नहीं होगा, थोड़ा सोचो तो पता चल जाएगा कि क्या नहीं होना चाहिए। माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में तो होगा लेकिन जीरो नहीं हो सकता। हाँ, अब यहाँ पर एन पाई तो नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा एंगल मिलने ही वाले नहीं है, यहाँ पर तो हमारा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में ही रिस्ट्रिक्शन है, उसके आगे तो हमें जाना ही नहीं है। तो फिर एन पाई ना बोल के हम सिर्फ जीरो को ले लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर कौन कौन से क्वाड्रेंट का यूज़ किया गया, साइन में यूज़ किया गया फर्स्ट और फोर्थ का, कॉस में यूज किया गया सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट और सेकेंड का, टेन में भी फर्स्ट और थर्ड का, कॉट में फर्स्ट और सेकेंड का, सेक में अगर फिर फर्स्ट और सेकेंड का, और फोर्थ में अगर कॉसेक की बात करूँ तो फर्स्ट और फोर्थ का, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू यानी फर्स्ट और फोर्थ का, कौन सा क्वाड्रेंट यूज ही नहीं हुआ और कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें सारे लोग रहे हैं, चाहे कोई भी बात करो, चाहे साइन की बात करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है उन्होंने सारे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमको ध्यान रखना है, कोई भी नहीं है। नहीं, फोर्थ में तो है, थर्ड में कोई यूज नहीं करना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब इन सबका घर है, एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो इनका घर है, उसमें तो सबको रहना ही रहना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉमन टू ऑल ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फर्स्ट में तो सबके सब रहते ही हैं। अब उसके बाद हमको कहाँ जाना है वो देखना है, फोर्थ में किसी को नहीं जाना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सॉरी थर्ड में, थर्ड क्वाड्रेंट में जो है वो किसी को नहीं जाना है, फोर्थ
फोर्थ में तो गया ही है, थर्ड क्वाड्रेंट इज नॉट यूज्ड इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। और फोर्थ क्वाड्रेंट का यूज भी किया गया है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का यूज ऐसे नहीं करना है हमको कि हम यहाँ पर ले ले 270 ले ले और यहाँ 360 ले ले। मतलब यहाँ पर हमको जो यूज किया गया वो क्लॉक वाइज यूज किया गया कि एंटी क्लॉक वाइज यूज किया गया। तो हम माइनस पाई बाई टू से जीरो, यानी इस तरह से चले, हम जीरो से लेके ऐसे नहीं चले हैं, हम माइनस पाई बाई टू से जीरो चले हैं। तो ये किधर तरफ, माइनस पाई बाई टू से जीरो तक चले हैं ना ये। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मतलब जैसे हम लेते थे ना 0, 180, 90, 180, 270, तो 270 से 360 उसको नहीं बोलोगे, उसको क्या बोलोगे, माइनस पाई बाई टू से जीरो। और ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट में है इसमें किसी को नहीं जाना है, ये हमारा यूज ही नहीं होने वाला है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, अभी इनके बारे में जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें एक्चुअली में सारी चीजें दिखाई देंगी। ये तो हमने एक बना लिया है कि हमें सबका एक साथ लिख लिया है, अब हम जरा इनके ग्राफ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, तो अब बात करते हैं ग्राफ्स की, इनके सबके। तो हेडिंग लिख लेते हैं ग्राफ, ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और सबसे पहले बात करेंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स x की, कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ कैसे बनेगा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x में अभी हमने देखा कि x की वैल्यू जो है वो माइनस वन से वन के मिड में है, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि मॉड x लेस देन और इक्वल टू वन है। और y की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, अभी हमने लिखा था रेंज भी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के मिड में है, तो ये इसकी रेंज हो गई। तो अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ। तो देखो साइन इनवर्स x का ग्राफ कैसे बनेगा। सबसे पहले हम y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और फिर उसकी जो है वो मिरर इमेज ले लेंगे y इक्वल टू एक्स लाइन लेके, तो हमको इसके इनवर्स का ग्राफ मिल जाएगा। तो ये हो गया जीरो, और अब यहाँ पर ले लेते हैं जीरो आ गया, और हमें लेना है पहले y इक्वल टू साइन एक्स का। तो साइन एक्स का ग्राफ पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं कि साइन एक्स में कौन सा मिलने वाला है। तो ये जीरो से, और एक बात का और ध्यान रखना है कि एक मिरर इमेज भी लेनी पड़ेगी, तो हम पहले y इक्वल टू एक्स एक लाइन ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने ड्रॉ कर ली y इक्वल टू एक्स की, एक मिरर ड्रॉ कर लिया, ये मिरर का काम करेगा। अब यहीं पर हम इसमें ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, और वो भी कितना पार्ट हमको चाहिए y इक्वल टू साइन एक्स का, जो जीरो से कहाँ तक हो, पाई बाई टू तक हो, मैक्सिमम पाई बाई टू तक होना चाहिए। तो ये पाई बाई टू हो गया, और यहाँ से जब पीछे की तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से, और इसको डॉटेड से बना रहे हैं,
तो ये 0 से ये -π/2 तक हो गया, तो -π/2 से π/2 तक हमने ये साइन एक्स का डॉटेड लाइन से ग्राफ बना दिया, ठीक है। तो और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी +1 और यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ये बात क्लियर हो रही है यहाँ तक, और ये तो ओरिजिन है ही हमारे पास। अब जरा देखो यहाँ पर जो ग्राफ है वो ग्राफ शेडेड होके किधर जाएगा, जो जैसे आपने ये मिरर लगा दिया y इक्वल टू एक्स, तो जो ये वाला पार्ट है वो कुछ इधर की तरफ पार्ट ऐसे बनाएगा क्या, देखो ये यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे बन गया, ये वाला पोर्शन जो है वो कुछ ऐसे बन जाएगा यहाँ तक आके, ठीक है। और जो इधर वाला पोर्शन दिख रहा है वो कुछ ऐसे बन जाएगा यहाँ पर आके, तो ये जो वैल्यू देगा, अब ये वाली वैल्यू जो यहाँ π/2 थी वो वैल्यू इधर आ गई π/2, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा, -π/2 हो जाएगा। और वैल्यू जो इसकी है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है एक्स की, अब वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा 1, और जो यहाँ तक वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, -1। तो कुछ साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ दिखाई दे रहा है, कौन सा बन गया, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का, ये था वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, और इसी से बन गया साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। कोई प्रॉब्लम इसमें, क्लियर हो रही बात। तो ये हमने अब बना दिया वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का अलग से ग्राफ। देखो और बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर, तो ये +1 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, -1। तो y इक्वल टू साइन एक्स की जो है वो मिरर इमेज ले ली गई है अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स, यहाँ पर चाहे तो आप लिख सकते हैं y, जैसे हमने लिया है y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स एंड y इक्वल टू साइन एक्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ऑफ द लाइन वाई इक्वल टू एक्स, ठीक। अब इसी तरीके से कोशिश करो वाई इक्वल टू साइन एक्स से वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स जैसे हमने बनाया, तो वाई इक्वल टू कॉस एक्स से वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स बनाने की आप कोशिश करें, और ग्राफ जरा दिखाएं कैसा बन रहा है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी जो है वो हो जाएगी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इसी के लिए जो अभी हमने लिखा है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ जो ड्रॉ किया है उसी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिख लेते हैं पहले, और वो सभी में लिखेंगे कि ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, समझ सकते हैं हम कह सकते हैं कि ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो पहली बात, तो पहला पॉइंट हमारा जो होगा वो इसके बाउंडेड फंक्शन के ऊपर होगा कि बाउंडेड फंक्शन साइन इनवर्स एक्स जो है वो बाउंडेड है कि नहीं है। अब बाउंडेड फंक्शन क्या होता है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे आपको आइडिया होगा। बाउंडेड का मतलब है कि जिसकी बाउंड्री हो, ऐसा फंक्शन जिसकी बाउंड्री डिसाइडेड हो, कि मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू इतनी होगी और मैक्सिमम वैल्यू इतनी होगी, मतलब उसकी लिमिट डिसाइड कर दी गई कि आपको इसके और इसके बीच में रहना है, उसको बाउंडेड कर दिया गया, उस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, बाउंडेड फंक्शन। मैथमेटिकली अगर बात करो तो बाउंडेड फंक्शन क्या होता है, बाउंडेड फंक्शन के बारे में अगर बात करो तो कोई फंक्शन एफ एक्स है ना, तो उसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू एम हो जाए, यानी एफ एक्स की वैल्यू जो है वो डिसाइड हो गई कि आपको माइनस एम से प्लस एम के मिड में रहना है, तो इसका मतलब इसकी बाउंड्री डिसाइड हो गई, इसकी रेंज डिसाइड हो गई कि आपको ये वाई इक्वल टू यहाँ पर ये एम में रहना है और ये वाई इक्वल टू माइनस एम है यहाँ पर रहना है, इसके बीच में ही रहना है, यानी कि सिर्फ इतने पार्ट के अंदर ही आप रह सकते हो, बाकी कहीं नहीं जा सकते, इसी के अंदर रहना है, तो इसका मतलब इसकी बाउंड्री डिसाइडेड हो गई। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोल देते हैं, बाउंडेड फंक्शन।
तो अब क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या साइन इनवर्स एक्स जो है वो बाउंडेड फंक्शन है क्या? अगर ऑप्शनल पूछ लिया जाए कि क्या साइन इनवर्स एक्स जो है वो बाउंडेड फंक्शन है क्या, तो हमें इसके पास आना पड़ेगा साइन इनवर्स एक्स के पास। और रेंज इसकी क्या है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में डिसाइडेड है कि ना तो ये पाई बाई टू से ज़्यादा हो सकता है और ना ही माइनस पाई बाई टू से कम हो सकता है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो बाउंडेड फंक्शन है? तो अगर ऑप्शन में पूछा जाता है कि ये बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है, तो साइन इनवर्स एक्स इज अ बाउंडेड फंक्शन इन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में ये हमेशा बाउंडेड फंक्शन ही रहने वाला है, इस बात का हमको ध्यान रखना है। दूसरा पूछा जाएगा कि भाई साइन इनवर्स एक्स जो है वो क्या इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, बताओ जरा देख के, ग्राफ देख के बता दो। मैंने ग्राफ देख के भी बताया हुआ है और x की जगह माइनस एक्स रख के भी बताया हुआ है। यहाँ पर अभी हमने साइन इनवर्स माइनस एक्स नहीं पढ़ा है, अभी आगे पढ़ेंगे लेकिन अभी नहीं पढ़ा है। तो क्या हम देख के, ग्राफ देख के बता सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है? इसका ग्राफ देख के क्या हम बता सकते हैं? हमने ग्राफ से देख के भी सीखा हुआ है कि किसी का ग्राफ देख के कैसे आप बता सकते हो कि वो इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है? याद है कुछ इवन ऑड के बारे में? इसीलिए बोला गया है कि जो फंक्शन चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब में मिलने वाला है। तो साइन इनवर्स एक्स कौन सा फंक्शन होगा? ऑड फंक्शन। क्यों ऑड फंक्शन होगा? क्योंकि फिर यहाँ लिख लेते हैं ऑड की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के सिमेट्रिक होता है, ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन लिख लेंगे। वाई इक्वल टू जैसे एक्स क्यूब आपको याद होगा तो ये वाई इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ होता है कुछ ऐसा ही साइन इनवर्स एक्स की तरीके, और जो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है ये क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट होता है। तो ये इवन के लिए होता है कि अगर सिमेट्रिक है अपोजिट क्वाड्रेंट के तो वो हो जाएगा ऑड फंक्शन के लिए, और सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है तो वो हो जाता है इवन के लिए। अब आप इसको जरूर ध्यान रखें। तो ये सेकेंड पॉइंट हो जाएगा कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो ऑड फंक्शन है। अच्छा, साइन इनवर्स एक्स जो है वो क्या इंक्रीजिंग है क्या कि डिक्रीजिंग है? साइन इनवर्स एक्स जो है वो क्या इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं, अगर आपको याद हो तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। तो साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। क्यों इंक्रीजिंग होता है बताओ? इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में हमने बताया था कि अगर एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाओ तो वाई की वैल्यू बढ़ती जानी चाहिए, और एक्स की वैल्यू कम करते जाओ तो वाई की वैल्यू कम होती जाए। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम एक्स की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो देखो वाई की वैल्यू बढ़ती जा रही है, एक्स की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं वाई की वैल्यू बढ़ती जा रही है, एक्स की वैल्यू कम करते जा रहे हैं तो वाई की वैल्यू और कम होती जा रही है। तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन हो गया? इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन में हमने एक और पढ़ा था कि इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। ये भी आपको याद होगा कि जो इसका डिफरेंशिएशन होता है एफ डैश एक्स जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो। तो यहीं पर इसको हम डिफरेंशिएट करके भी देख लेते हैं। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन वाई अगर साइन इनवर्स एक्स है तो ये तो खैर अभी हम डिफरेंशिएशन में इसको पढ़ेंगे ही। तो डी वाई बाई डी एक्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या हमेशा पॉजिटिव वैल्यू नहीं देगा? डी वाई बाई डी एक्स जो है कोई क्या कभी निगेटिव हो सकता है, जो अंडर रूट होता है वो हमेशा पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है, तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव देता है। तो इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगी क्योंकि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब कोई अगर हमसे पूछता है कि भाई ये वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स ये आया कैसे, ये कहाँ से आया, तो हम उसको फिर डिराइव करके दिखा देंगे। कैसे डिराइव करेंगे? देखो वाई इक्वल टू हमने ये वैसे डिफरेंशिएशन में हम आगे करेंगे लेकिन अभी यहाँ पर सीख लेते हैं कि y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, साइन को इधर भेज दिया तो साइन y इक्वल टू क्या बन गया, x डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। इस तरह का काम तो हम पहले भी कर चुके हैं। जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो साइन y का क्या हो जाएगा, cos y, और y को अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि x के अलावा जिसको भी हम x लेट करते हैं उसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमने साइन x का डिफरेंशिएशन किया cos x,
और एक्स तो था नहीं, वो तो वाई था, तो वाई का अगेन किया डी वाई बाई डी एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स ये तो वन हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, वन अपॉन कॉस वाई। कॉस वाई को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर वाई, क्योंकि हमने पढ़ा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है वन, तो वहाँ से हमने इसको यूज़ कर लिया। और साइन वाई की वैल्यू क्या है, साइन वाई की वैल्यू आप देखें यहाँ पर, तो साइन वाई की वैल्यू क्या लिखी हुई है, साइन वाई क्या है एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स, और वाई हमने किसको लेट किया था, साइन इनवर्स एक्स को, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो गया वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। कोई प्रॉब्लम इसमें समझने में, और हमने ये प्रूव कर दिया कि ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही देगा, क्योंकि वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू ही देने वाला है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर देन जीरो। तो अगर ग्रेटर देन जीरो हो गई तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, बात समझ में आ रही है, एरो ऊपर की तरफ होता है तो इंक्रीजिंग होता है, और नीचे की तरफ हो जाता है एरो तो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, तो साइन इनवर्स एक्स जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन इट्स डोमेन, ये भी लिख लेते हैं पूरी बात यहाँ पर, इन इट्स डोमेन। ठीक है, तो ये कोई प्रॉब्लम यहाँ तक साइन इनवर्स एक्स के बारे में। अच्छा, अगर हमसे पूछा जाए कि साइन इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है और मिनिमम वैल्यू क्या होती है साइन इनवर्स एक्स की, तो हम क्या बोलेंगे, साइन इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू तो हाँ अभी तो हमने लिखा है ये, इसकी रेंज हमने लिखा है कि पाई बाई टू होती है, तो किस पे होती है ये भी अब हमें देख लेना है, किस पे होती है पाई बाई टू, तो ये हो जाएगा फोर्थ नंबर हमारा कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, किस पॉइंट पे होती है, तो लिखेंगे अकर्स एट एक्स इक्वल टू वन, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, तो माइनस पाई बाई टू होती है, और वो किस पॉइंट पे होगी, अकर्स एट एक्स इक्वल टू माइनस वन। अब उसके बाद फोर्थ के बाद फिफ्थ पॉइंट आ जाता है पीरियोडिक के बारे में, कि क्या साइन इनवर्स एक्स जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं है, बताओ साइन इनवर्स एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन और नॉट। पीरियोडिक फंक्शन नहीं पढ़ा हमने, पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि बार बार वो अपनी पोजीशन रिपीट करता है, बाइजेक्शन रूल को फॉलो करता है, मतलब जो बाइजेक्टिव होता है वो पीरियोडिक होता है। देखो अपने यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो पीरियोडिक होता है, जो फंक्शन वन वन ऑन टू होगा वो कभी पीरियोडिक होगा ही नहीं, क्योंकि पीरियोडिक होने के लिए एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की एक वैल्यू होनी चाहिए। साइन एक्स जो होता है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है, साइन एक्स जो होता है उसका पीरियड 2π होता है, हमने पीरियोडिक फंक्शन पढ़ा था पिछली क्लास में, तो हमने पढ़ा था कि साइन एक्स जो होता है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है, क्यों, क्योंकि वो 2π के बाद अपनी पोजीशन रिपीट करता है, तो इसका मतलब वो वन वन फंक्शन तो हो ही नहीं सकता, साइन एक्स जो होता है वो तो मैनी वन फंक्शन होता है, तभी तो वो अपनी पोजीशन बार बार रिपीट करेगा, तभी वो ग्राफ बार बार दिखेगा हमको बनता हुआ बार बार। तो साइन इनवर्स एक्स इज नॉट, साइन इनवर्स एक्स इज नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन, ध्यान रखना है साइन एक्स जो होता है वो पीरियोडिक होता है साइन एक्स, लेकिन साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो नॉन पीरियोडिक हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, कई बार बुक्स में ऐसे भी लिखा होगा, साइन इनवर्स एक्स इज एन अपीरियोडिक, ए के साथ पी लगा हुआ होगा, अपीरियोडिक
अपीरियोडिक फंक्शन का मतलब ही है कि नॉन पीरियोडिक। ये जो अपीरियोडिक लिखा हुआ है इसका पूरे का मतलब नॉन पीरियोडिक को शॉर्टकट में अपीरियोडिक भी बोल देते हैं, ध्यान रखना है। साइन इनवर्स एक्स में ए अलग हो गया और पीरियोडिक अलग हो गया, तो वो हो गया साइन इनवर्स एक्स इज अ, और ए अलग हो गया फिर पीरियोडिक, लेकिन ए के साथ ये ज्वाइंट हो गया तो इसका मतलब हो गया अपीरियोडिक, मतलब नॉन पीरियोडिक है। ठीक है, इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो ये तो बात हमने कर ली साइन इनवर्स एक्स की। अब जरा दूसरा ग्राफ जो है हम ड्रॉ करते हैं, वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ अब हम ड्रॉ करेंगे। तो अब हमें इसमें भी क्या करना है, एक फंक्शन वही सेम लेना है, पहले कॉस एक्स का ग्राफ ले लेना है और कॉस एक्स में वाई इक्वल टू एक्स एक लाइन मिरर लेके देख लेना है कहाँ कहाँ पर इसका रिफ्लेक्शन बन रहा है। एक्स की वैल्यू इसमें भी वही सेम होती है, माइनस वन से वन तक, और जो वाई की वैल्यू होती है वो जीरो से पाई तक ही लेना है। कैसे, कॉस एक्स का कौन सा पार्ट इन्होंने लिया है, कॉस एक्स का कौन सा पार्ट कट किया गया होगा, क्योंकि कॉस एक्स पूरा के पूरे बात करो तो कॉस एक्स जो होता है उसका ग्राफ तो कुछ इस टाइप से बनता ही है, ऐसे जाता है कॉस एक्स का पूरा ग्राफ और आगे ऐसे ही बढ़ता जाता है, जीरो पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू और टू पाई। तो कॉस एक्स का पार्ट कौन सा पार्ट ले लिया गया यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर ये हो गया पाई और ये हो गया थ्री पाई बाई टू और यहाँ पर आ गया टू पाई, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो अब जरा बताओ इसमें कितना पार्ट हम ले लें, यहाँ से कितना पार्ट कट कर लें ताकि ये फंक्शन जो है वो वन वन और ऑन टू दोनों हो सके, ताकि फिर उसका हम रिफ्लेक्शन ले सके। पहले हमें वन वन ऑन टू बनाना पड़ेगा, तो अगर हम इतना पार्ट, हाँ जीरो से पाई तक का इतना पार्ट अगर सिर्फ हम कट कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वन वन फंक्शन बन जाएगा। एक्स की एक वैल्यू पे वाई की एक ही वैल्यू देगा, हमेशा एक्स की कोई एक वैल्यू होगी वाई की एक वैल्यू देगा, देखो ना एक्स की एक वैल्यू पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेगी और जो रेंज है वो कोडोमेन की इक्वल हो जाएगी, तो ऑन टू भी हो जाएगा। तो इसका मतलब कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ के लिए हमको कॉस एक्स का इतना पार्ट कट करके लेना पड़ेगा, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स का इतना पार्ट कट करके। तो अब यहाँ पर हमने वाई इक्वल टू एक्स वाली लाइन ड्रॉ करना है हमको, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और एक लाइन y इक्वल टू एक्स वाली है वो ड्रॉ करनी है हमको, ये y इक्वल टू एक्स की लाइन हो गई। अब यहीं पर हमको थोड़ा सा ध्यान देना है कि cos x का ग्राफ 0 से पाई के मिड में ड्रॉ करना है, cos x का ग्राफ हमको 0 से पाई के मिड में ड्रॉ करना है। तो 0 पे तो 0 वैल्यू देगा, 1 पे यहाँ पर देख लेते हैं पाई बाई टू पे तो 0 दे देगा यहाँ पर, तो ये ग्राफ, और यहाँ पर हमने मान लिया कि ये प्लस 1 है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, यहाँ पर ऐसे 90 पे जाएगा ना ऐसे कट करके, और फिर यहाँ से ऐसे जाते हुए, और इसको हम डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं, एक्चुअली में इसको डॉटेड लाइन से इसलिए दिखा देते हैं ताकि हमको जो ओरिजिनल ग्राफ है वो फिर हमको दिखाई देगा इजीली। तो ये हमने इसको डॉटेड लाइन से दिखाया कि ये ऐसे आया और फिर यहाँ से जो है वो यहाँ तक का पार्ट, पाई तक का पार्ट हमने ले लिया। क्लियर हो रही बात, इसमें कोई प्रॉब्लम, अभी तो हमने कोई रिफ्लेक्शन किया ही नहीं। जहाँ पर कट किया है उसका नाम हो गया पाई बाई टू, और पाई बाई टू के पहले थोड़ा पहले कहीं पर यहाँ पर वन होगा, क्योंकि पाई बाई टू की वैल्यू 1.57 होती है, और यहाँ पर कहीं पर इसकी वैल्यू क्या होगी, पाई बाई टू। तो अब जरा इसका रिफ्लेक्शन देखो कैसे लेंगे, ये तो मिरर का काम कर रहा है वाई इक्वल टू एक्स, तो जितना पार्ट मुझे इधर दिख रहा है, जो ये पार्ट मुझे दिख रहा है कौन सा पार्ट, अगर हम देखें तो ये वाला पार्ट जिसको मैं अभी ये दिखा रहा हूँ, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट मिरर में जब आएगा तो कौन सा पार्ट बन जाएगा, जो ये वाला पार्ट है इसको अगर हम हटा दें यहाँ से तो ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, तो ये पार्ट जो है वो कुछ ऐसे नीचे की तरफ ऐसे बन जाएगा, ये जो इधर वाला पार्ट था वो इधर बन गया, और जो ये वाला पार्ट है कौन सा पार्ट, जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है कौन सा, ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है वो कहाँ चला जाएगा, वो पाई बाई टू पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा था यहाँ पे पाई बाई टू पे, तो वो वाला पार्ट जो है वो कुछ ऐसे घूम के जाएगा और यहीं से इसको ऐसे जाना पड़ेगा और यहाँ के बाद फिर ये ऐसे चला जाएगा ये। तो अगर आप ध्यान से देखें तो वो वाला जो रिफ्लेक्शन था वो पूरा ऐसे बन जाएगा यहाँ तक, और ये जो वैल्यू है ये इसको वाई एक्सिस को थोड़ा और ऊपर कर देंगे, ये बन जाएगा वाई इक्वल टू पाई के लिए, यहाँ पर पाई हो जाएगा और यहाँ पर ये पाई बाई टू हो गया और यहाँ पर ये वन हो गया,
बताओ इसमें कहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ गई। और ये जो पीछे की तरफ आया है ये हो जाएगा माइनस वन, तो वन से लेके माइनस वन से लेके वन तक के बीच का ग्राफ बनेगा और इस टाइप से दिखाई देगा। इसको अगर हम अलग से बनाना चाहें तो हम यहाँ पर बना सकते हैं कि वाई इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ जो है वो कैसे बनने वाला है। कुछ इस टाइप से बनेगा, जैसे आपने हिंदी में फा पढ़ा होगा ना, फा, वो कुछ इस टाइप से बनेगा। यहाँ पर हो गया पाई, यहाँ पर हो गया पाई बाई टू और यहाँ पर हो गया वन, तो कुछ इस टाइप से बनेगा। माइनस वन से वन के बीच में रहेगा तो ये एक्स की वैल्यू माइनस वन से वन तक हो गई और रेंज जो है वो वाई की वैल्यू है जो कि जीरो से लेके पाई तक हो गई। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो ये हमको बात समझ में आ गई कि y इक्वल टू कॉस एक्स और y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स जो है वो मिरर इमेज है एक दूसरे के। कौन सी लाइन? y इक्वल टू एक्स जो प्लेन मिरर का काम कर रही है उस लाइन का, ये प्लेन मिरर का काम कर रही है और ये जो ग्राफ है ये एक दूसरे के मिरर इमेज हो जाएंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, क्या लिखेंगे कि ग्राफ ऑफ, जैसे वहाँ पर हमने साइन में लिखा था, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू, ओके, साइन नहीं लिखना अब हमको, कॉस इनवर्स एक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स एंड वाई इक्वल टू कॉस एक्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स। कभी भी किसी का इनवर्स फंक्शन का ग्राफ हमको ड्रॉ करना है तो हमें एक मिरर लेना पड़ेगा। एक मिरर लेंगे y इक्वल टू एक्स और वो y इक्वल टू एक्स मिरर में जो फंक्शन fx है उसकी मिरर इमेज बन जाएगी। तो
जो LHS जो उसके पहले इधर की तरफ है लेफ्ट साइड में, वो उसके राइट साइड में चला जाएगा, और जो उसके राइट साइड में है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो लेफ्ट साइड में जितना पार्ट है वो राइट में आ गया, मतलब जो एबव है वो बिलो आ जाएगा, जो बिलो है वो एबव चला जाएगा। कुछ इस टाइप से हमको ध्यान रखना है। अब इसके भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे अभी हमने उसके चार पांच इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखे थे, साइन इनवर्स एक्स के, कि बाउंडेड था, ऑड था, इंक्रीजिंग था, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, पीरियोडिक नहीं था, वैसे इसके भी जरा बताओ इम्पॉर्टेंट पॉइंट उसी ऑर्डर में क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट उसका क्या था कि ये बाउंडेड फंक्शन था, क्या ये बाउंडेड फंक्शन है कि नहीं है, क्या कॉस इनवर्स एक्स बाउंडेड फंक्शन है, तो आंसर होगा यस। जिसकी भी रेंज डिसाइड हो गई कि आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, अब उसने कह दिया कॉस इनवर्स एक्स आपको 0 से पाई तक ही जाना है, तो इसका मतलब इसकी रेंज डिसाइड हो गई, इसकी बाउंड्री बना दी गई, तो ये बाउंडेड फंक्शन हो गया। कोई हमसे कह दे कि कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू जो है वो -1 आ रही है, तो क्या हम मानेंगे कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू -1, क्या ये पॉसिबल है कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू -1, तो आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स बाउंडेड फंक्शन है और उसकी बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक डिसाइड है, 0 से पाई तक। तो 0 का मतलब 0 से नीचे तो जाना नहीं, तो निगेटिव का तो चांस ही नहीं है। कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो एक पॉजिटिव फंक्शन होता है, उसकी वैल्यू हमेशा 0 से लेकर पाई के मिड में रहेगी। अगर किसी ने हमसे बोला कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू -1 आ रही है या -2 आ रही है, तो हम बोलेंगे नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू 1 आ रही है, पॉसिबल है, हाँ है। कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू 2 आ रही, पॉसिबल है, यस। कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू 3 आ रही है, पॉसिबल है, आंसर होगा यस, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 है, तो 3.14 के पहले तक सब पॉसिबल है। अगर हमसे कह दिया जाए कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू 4 आ रही है या -4 आ रही है, तो हम बोलेंगे नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो है वो बाउंडेड फंक्शन हो गया। कोई प्रॉब्लम इसमें? अच्छा, ये जो है वो ऑड है कि इवन है, क्या आंसर होगा? तो आंसर होगा कॉस इनवर्स एक्स इज नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। अभी हमने ऊपर बात की थी कि कोई फंक्शन अगर इवन होता है तो वो वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है। वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, ये यहाँ पर हमने अभी बात की थी कि अगर कोई फंक्शन अगर इवन है तो वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है, ऑड होता है तो वो क्वाड्रेंट के यानी कि ओरिजिन के सिमेट्रिकल होता है, ओरिजिन से जितना इधर उतना इधर हो जाएगा, और अगर इवन है तो वो वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा, मतलब वाई एक्सिस एक प्लेन मिरर का काम करेगा। क्या ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है ग्राफ? क्या सिमेट्रिकल तब होता है, अगर आपको लग रहा है कि ये सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल तब होता है जब इसका ग्राफ वाई एक्सिस में जितना इधर है उतना इधर बन जाए। ये तो ऐसा तो नहीं बन रहा ना, ये तो वाई एक्सिस में इतना बन रहा है और फिर जाके इधर नीचे बन रहा है, तो सिमेट्रिकल कहाँ बोलोगे इसको? सिमेट्रिकल का मतलब वही फोटो सेम बन जानी चाहिए थी, जितना इधर का पार्ट था वही ऊपर बन जाता उधर बन जाता, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है वाई एक्सिस के, तो इसको क्या बोलेंगे कि ये सिमेट्रिकल नहीं है, तो ना तो इवन है ना तो ऑड है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए, तो कॉस इनवर्स एक्स क्या है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? एक्स की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो वाई की वैल्यू कम हो रही है कि बढ़ रही है, और एक्स की वैल्यू कम करते जा रहे हैं तो एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाए वाई की वैल्यू कम हो रही है, और एक्स की वैल्यू कम करते जाए वाई की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब ये, तो ये कौन सा फंक्शन हो गया? तो ये हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन। कॉस इनवर्स एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो हमेशा निगेटिव आएगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है वो क्या होगी, <0। अगर हम चाहें तो यहीं पर इसका डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं, डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स की जो वैल्यू आती है वो आती है -1/√। ये हमको याद रखना है, जितने भी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो आगे चल के फॉर्मूले बन जाएंगे, इनको ज़रूर ध्यान रखते हैं। और इनके सबके डेरिवेशन भी मैंने बताया क्या करते हैं, जैसे अभी हमने साइन का किया था वैसे इसका भी कर दो। यहीं पर क्या करना पड़ेगा, वाई इक्वल टू लेट कर लिया, वाई इक्वल टू हो गया कॉस इनवर्स एक्स
कॉस वाई इक्वल टू एक्स हो गया, डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कॉस वाई का क्या हो गया, साइन वाई माइनस साइन वाई, और वाई का हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, वन। अब क्या करेंगे इसके बाद, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं, तो वो माइनस वन अपॉन साइन वाई हो गया। माइनस साइन वाई को अभी हमने लिखा था अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर वाई, और कॉस वाई की वैल्यू क्या थी, तो वो थी एक्स, तो वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या बन गया, माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम इसमें? ओके तो कॉस इनवर्स एक्स का हमने डिफरेंशिएशन भी कर लिया। कॉस इनवर्स एक्स ना तो इवन है ना तो ऑड है, और बाउंडेड फंक्शन तो है ही, फोर्थ नंबर में आता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फोर्थ नंबर पे आ जाएगी। तो बताना है कि ये क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है, तो जो रेंज है उसी से हमको पता चल जाएगा। तो क्या रेंज है इसकी, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई, यानी पाई के ऊपर तो इसको जाना ही नहीं है, फिक्स है ये। किस पॉइंट पे अकर करता है, ये अकर सेट एक्स इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन पे ये क्या दे रहा है, पाई दे रहा है। और मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आती है, मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स ये हो जाती है जीरो, और किस पॉइंट पे होती है, एक्स इक्वल टू वन पे, एक्स इक्वल टू वन पे वाई की वैल्यू जीरो हो जाती है। कोई प्रॉब्लम इसमें? फिफ्थ पॉइंट, फिर कॉस इनवर्स एक्स जो है वो पीरियोडिक है कि अपीरियोडिक है, तो पीरियोडिक का तो चांस ही नहीं है इनमें, कोई भी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो सारे के सारे नॉन पीरियोडिक यानी कि अपीरियोडिक होंगे, पक्की बात है। क्यों? क्योंकि वो मैनी वन तो हो नहीं पाएंगे, और मैनी वन होंगे नहीं तो बार बार वो ग्राफ रिपीट करेगा नहीं, और जब रिपीट करेगा नहीं तो फिर वो पीरियोडिक कैसे हो पाएंगे। पीरियोडिक के लिए उस फंक्शन के ग्राफ को बार बार अपनी एक इंटरवल के बाद अपनी पोजीशन रिपीट करनी पड़ती है, तो ये सारे के सारे नॉन पीरियोडिक होंगे, जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे के सारे नॉन पीरियोडिक। कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए, तो ये हो गया वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। अब आ जाते हैं वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स में, थर्ड हो जाएगा हमारे पास वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। इसमें एक्स की वैल्यू के बारे में बात करें तो एक्स जो है वो रियल नंबर होता है, और वाई जो होता है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ओपन इंटरवल में होता है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, यानी पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू भी कभी नहीं होगा, उसके अंदर ही रहने वाला है। अब इसमें इसके लिए हमको 10x का ग्राफ का आइडिया होना चाहिए, y इक्वल टू 10x का ग्राफ हमको पता होगा, तो फिर उसका इनवर्स y इक्वल टू x लाइन के साथ हम ले लेंगे। तो ये हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया x एक्सिस और y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, और एक मिरर ले लिया y इक्वल टू x वाला, एक मिरर ढूंढा, और फिर उसका हम वहाँ पर हम 10x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे बाद में। तो ये हमने एक मिरर ले लिया y इक्वल टू 10x, ये हो गया y इक्वल टू 10 y इक्वल टू सॉरी x का y इक्वल टू x ही तो प्लेन मिरर लेते हैं। अब 10x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और फिर 10 इनवर्स x का ग्राफ उसी से बना देंगे। तो 10x का ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा देखते हैं।
याद होगा आपको 10x का ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ करते थे। डॉटेड लाइन से मैं ड्रॉ करूँगा, ये तो उसका एजिम्प्टोट्स हो जाता है क्योंकि 0 से पाई बाई 2 के बीच में ऐसे ही तो जाता है ये। वाई इक्वल टू 10x माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में याद होगा 10x का ग्राफ कुछ ऐसे ही बनता था ये। तो वाई इक्वल टू 10x का ग्राफ बनाएंगे हम तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये यहाँ से जाएगा ऐसे जाते 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 जाते, ये इधर से गया और यहाँ से फिर यहाँ पर आया और यहाँ पर इसने कट किया 0 पे, और फिर उसके बाद ये वाई इक्वल टू एक्स में ऐसे ही रहेगा ये, मतलब माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ही रहने वाला है। ये ग्राफ किसका है? वाई इक्वल टू 10x का ग्राफ है, ठीक है, जो रेड से बनाया गया ये वाई इक्वल टू 10x का। अब इसकी मिरर इमेज और ले लेनी है, वाई इक्वल टू एक्स प्लेन मिरर लगा हुआ है, इसकी मिरर इमेज ले लेनी है। तो एक बात तो क्लियर है, जैसे यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 करके दो लिए तुमने, यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, तो जब उसमें लोगे, जब 10x का लिया है तो 10 इनवर्स x में भी वही होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस पाई बाई 2 और यहाँ आ जाएगा प्लस पाई बाई 2, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हो गया पाई बाई 2 और ये हो गया माइनस पाई बाई 2, और ओपन इंटरवल में लेना है। तो ओपन इंटरवल में मतलब कहाँ से, इसको डॉटेड लाइन से हमें दिखाना पड़ेगा, तो इस लाइन के अंदर ग्राफ आएगा ये हमने y इक्वल टू पाई बाई 2 की लगा दी लाइन, और एक ले ली y इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 की लाइन, ये y इक्वल टू पाई बाई 2 हो गया और ये y इक्वल टू डॉटेड लाइन क्यों लिया है, क्योंकि y इक्वल टू पाई बाई 2 ले ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरवल लगा हुआ है, क्लोज नहीं है। y इक्वल टू क्लोज यानी स्क्वायर ब्रैकेट में पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 नहीं है। तो अब देखो इसका ग्राफ कैसे रिफ्लेक्ट होगा, जो ये वाला पोर्शन है, जो इधर इसके ऊपर वाला पोर्शन है, कौन से पोर्शन की बात हो रही, जो ये वाला पोर्शन है, ये जो मैंने येलो से किया है, ये इस लाइन के बिल्कुल नीचे आ जाएगा, तो इसका रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा, ये ऐसे बनेगा, ये यहाँ से जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और जो इधर का नीचे का रिफ्लेक्शन है वो इधर से जाएगा और ये ऐसे जाते 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 ऐसे बन जाएगा, और इसको हमेशा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के मिड में ही रहना है। तो ये जो ग्राफ है ये किसका हो जाएगा, वाई इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स का ग्राफ, ठीक है। बात क्लियर हो रही है कि हमने किसका कहाँ पर रिफ्लेक्शन ले लिया है। तो ये जो ग्राफ है इसको अलग से भी बना देना है, यहाँ पर इसको अलग से, वहां पर तो दिखाई दिया है, यहाँ पर एक छोटा सा अलग से भी दिखा देता है कि 10 इनवर्स एक्स का ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप से होगा। वहाँ पर तो रिफ्लेक्शन के साथ ले ही लिया है, हमें बनाना है इसको माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के मिड में, तो हम ऐसे बना देंगे, यहाँ पर डार्क हो जाएगा, 0 तो वैल्यू होती है, ये ऐसे जाएगी वैल्यू और इधर पीछे से जो है वो वैल्यू ऐसे जाएगी। तो ये जो ग्राफ है ये वाई इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स का ग्राफ हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? ये जो वैल्यू है वो पाई बाई 2 और ये जो वैल्यू है वो माइनस पाई बाई 2 है। ओके अब सारी बातें इनके बारे में वैसे ही कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने लिखा हुआ है सभी में, वैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके क्या क्या हो जाएंगे। सबसे पहले पॉइंट की हम बात करते हैं, तो पहला पॉइंट हमारा क्या होता है कि ये क्या बाउंडेड फंक्शन है, तो आंसर होता है सभी का, सभी बाउंडेड है, सभी जो है वो अपीरियोडिक है यानी नॉन पीरियोडिक है। तो जो 10 इनवर्स एक्स
टेन इनवर्स एक्स इज बाउंडेड फंक्शन, और कहाँ पर बाउंडेड है, इन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, इस रेंज में इसकी वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में है तो बाउंडेड हो गया। दूसरा, क्या ऑड फंक्शन है ये, क्या ये ऑड फंक्शन है, क्या ये इवन फंक्शन है, क्या ये अपोजिट है सिमेट्रिकल क्वाड्रेंट जो सिमेट्रिक है अपोजिट क्वाड्रेंट के, कि क्या वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है, क्या देखेंगे इसमें। बोलो तो टेन इनवर्स, हाँ टेन इनवर्स एक्स इज एन ऑड फंक्शन, क्योंकि ये जो है वो अपोजिट क्वाड्रेंट जो है जो सिमेट्रिकल है वो अबाउट ओरिजिन है, तो लिख लेंगे सिमेट्रिकल अबाउट, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन की सिमेट्रिक है तो इसलिए ये क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। अब ये क्या इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये बताना है। एक्स की वैल्यू बढ़ाने पे वाई की वैल्यू बढ़ रही है कि कम हो रही है, तो ये जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। साइन टेन इनवर्स एक्स इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन इन इट्स डोमेन, अपने डोमेन में ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, यानी कि इसका जो डी वाई बाई डी एक्स है वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा। इसका जो डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, वो भी लिख लेते हैं यहाँ पर, हमें याद रखना है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स। अगर आप ध्यान से देखें तो ये पॉजिटिव ही तो आ रहा है, टेन इनवर्स एक्स वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि एक्स की वैल्यू निगेटिव रखो पॉजिटिव रखो जीरो रखो तब भी ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही दे रहा है, तो ये हमेशा पॉजिटिव हो गया। ठीक है, बात क्लियर हो रही है यहाँ तक। अब जरा इसको डिफरेंशिएट करके देखो कि डिफरेंशिएट करने में ये वैल्यू मिल रही कि नहीं मिल रही, इसको आप डिफरेंशिएट करें और देखें कि ये वैल्यू मिल रही है डी अपॉन डी एक्स वाई, वैसे जैसे अभी हमने साइन का किया कॉस का किया वैसे ही सेम टेन का भी वही है, वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, टेन वाई इक्वल टू एक्स, और फिर उसको डिफरेंशिएट कर दिए। तो हमने लेट कर लिया y इक्वल टू टेन इनवर्स x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि हम 10 को इधर ले आते हैं तो 10 y इक्वल टू x हो जाएगा, तो 10 y इक्वल टू क्या हो गया x। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो 10 y का 10 x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, और जिसको x लेट किया उसको अगेन डिफरेंशिएट किया तो dy वाई बाई डी एक्स, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया तो dy वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 1 अपॉन sec स्क्वायर वाई, और sec स्क्वायर वाई को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई, और टेन स्क्वायर वाई यानी 10 वाई की वैल्यू है x, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy वाई बाई डी एक्स, और y क्या है, y है tan इनवर्स x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x क्या हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हमेशा पॉजिटिव होगा तो इसलिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा tan इनवर्स x। कोई प्रॉब्लम इसमें, अब अगला जो इसका है वो क्या पूछा जाता है, इंक्रीजिंग हो गया, अगला पूछा जाता है क्या ये पीरियोडिक है, तो बार बार बताने की जरूरत ही नहीं है कि ये सारे के सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो सारे के सारे अपीरियोडिक होते हैं, यानी कि नॉन पीरियोडिक होते हैं।
टेन इनवर्स एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन, यानी कि नॉन पीरियोडिक होते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? तो ये हमने जो है ग्राफ जो है वो तीन के सीख लिए, साइन इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का और टेन इनवर्स एक्स का। ठीक है, बाकी तीन जो है वो आपको अपने से ड्रॉ करके एक बार देखने हैं, नहीं होंगे तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, आज अभी इतना ही करते हैं। ठीक है, ये जरूर इतना तैयार करें।